हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं नौशादालम स्वागत करता हूं आप सभी का नौशादालम क्लासेस में। आज मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए फिजिक्स का सेशन, और आज हम लोग फिजिक्स में ट्वेल्थ से संबंधित हम लोग फिजिक्स के अंदर लेक्चर नंबर थर्ड करने वाले हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अगर दो चालक जो हैं अलग अलग आवेशित हैं, तो उन चालकों का अगर हम बात करें तो उनके कॉमन पोटेंशियल मतलब समान विभव जिसको बोलते हैं ना, वो क्या होगा। जैसे हमने टॉपिक यहाँ पे लिख रहा है कि आपको दो आवेशी चालकों के बीच आवेश का वितरण या कॉमन पोटेंशियल, ठीक है, कॉमन पोटेंशियल हम लोग निकालना सीखेंगे और उसका व्यंजक क्या होगा। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको वीडियो से जुड़ी सारी अपडेट्स आपको हर समय आपको मिलती रहे। और जो भी हमारे यहाँ पे एक्टिविटी होती है, जो भी आपको वीडियो अपलोड की जाएगी, जैसे आपको ट्वेल्थ के अंदर में मैथमेटिक्स और फिजिक्स का सेशन हमारे यहाँ वीडियो के थ्रू आपको अपलोड कराया जा रहा है, और जहाँ से आप मैथ और फिजिक्स की बहुत ही शानदार तरीके से क्लासेस इंजॉय कर रहे हैं। अगर आपके फ्रेंड्स हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो उनको शेयर जरूर करें, ताकि वो भी हमारे क्लास का आनंद ले सके। तो चलते हैं क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बातें और। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर करेंगे, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलते हैं टॉपिक से संबंधित बातें करते हैं। टॉपिक हमारे पास है कि दो आवेशी चालकों के बीच आवेश का वितरण कैसे होगा और कॉमन पोटेंशियल हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे दो चालक ले रखा है, हमारे पास दो चालक है आपके सामने। ठीक है, और इस चालक से रिलेट करके हमको निकालना है कॉमन पोटेंशियल क्या होगा। ठीक है, अब क्या होने वाला है इसमें जरा समझिएगा। यहाँ पे हमारे पास एक चालक है जिसका बेसिकली आपको क्या दिया है, धारिता दी गई है ना। धारिता को क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं। तो धारिता कितनी दी गई है, सी वन दी गई है। ठीक है, और दूसरा चालक है, इसकी धारिता कितनी दी गई है आपको, सी टू दी गई है। अगर पहले वाले जो हमारे पास पहला चालक है, इसको अगर हम आवेश देते हैं तो आवेश क्या देते हैं, Q1 आवेश देते हैं। ठीक है, Q1 आवेश देते हैं, और दूसरे वाले को क्या देते हैं, अलग अलग है यहाँ पे, इसको हमने Q2 आवेश दिया। ठीक है, पहले वाले को Q1 आवेश और दूसरे वाले को Q2 आवेश। बहुत ही आराम से समझिएगा, सारा चीज एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहले वाले को हमने दिया Q1 और दूसरे वाले को Q2। और आप जानते हैं जब भी किसी चालक को अगर हम आवेश देते हैं तो आवेश देने के क्रम में क्या होता है, उस चालक पे कुछ ना कुछ विभव उत्पन्न हो जाता है। ये आपको पता है, कोई भी चालक हो अगर आप उसको आवेश दे रहे हैं तो उस पर क्या होगा, विभव उत्पन्न होना स्वाभाविक है। तो अगर ये चालक पहला ए है हमारे पास, इसको हमने आवेश Q1 दिया, तो इस पे विभव उत्पन्न होगा ना। तो विभव कितना उत्पन्न होगा, मान लेते हैं इस पे विभव हमारा V1 उत्पन्न हो गया। ठीक है, सबको हम एक साथ रिलेट करेंगे, पहले आप आराम से समझे। इस पे विभव कितना उत्पन्न होगा, V1। उसी तरह से अगर इस Q2 के बारे में बात करें दूसरे चालक के लिए, तो इस पे विभव कितना उत्पन्न होगा, इस पे जो विभव उत्पन्न होगा वो कितना होगा आपको, V2 उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर हम एक एक करके बात करें इन दोनों के लिए, तो चालक ए के लिए, चालक ए के लिए अगर हम बात करें तो क्या होगा हमारा, Q1 की बात करते हैं, इस पे आवेश की बात करते हैं, तो आवेश का फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर आप जानते हैं क्या होता है, CV होता है, ये जानते हैं ना, Q बराबर होता है CV। तो अगर Q1 की बात करें तो चालक ए में आवेश कितना होगा, Q1 इक्वल टू C1 इंटू V1, क्योंकि इसकी धारिता कितनी दी गई है, C1 दी गई है, और इसका विभव कितना है, V1। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं हम समीकरण फर्स्ट, चलेगा। पहले के लिए हमारा क्या आ गया, आपको आवेश आ गया Q1 का मान C1 इंटू V1। अच्छा, आगे बात करते हैं जरा, अगर हम चालक बी के लिए बात करें चालक बी के लिए, ठीक है, चालक बी के लिए अगर हम बात करते हैं, तो चालक बी हमारे पास ये है। ठीक है, तो इसके लिए भी हम क्या लिखेंगे, इसका आवेश लिखेंगे, इसके पास कितना आवेश है,
है ना। बेसिकली आप जानते हैं ना धारिता क्या होती है, किसी भी चालक की धारिता का आपको कंसेप्ट पहले से पता है, मैंने आपको पीछे के लेक्चर में बताया हुआ है। अगर आपने पीछे का लेक्चर नहीं देखा, अगर पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप प्लीज पीछे वाला प्रथम और दूसरा, पहला और दूसरा लेक्चर जरूर देखें, क्योंकि सारी वीडियो जो है एक दूसरे से लिंक है। अगर आप कोई भी वीडियो छोड़ते हैं, कोई भी आप मतलब आपने वीडियो नहीं देखा है और डायरेक्ट आप तीसरा वीडियो देख रहे हैं, तो आपको हो सकता है ये चीजें समझ में ना आए। अगर आपको तीनों चीजें आराम से समझनी है तो आप स्टार्टिंग का पहला और दूसरा जरूर देखें, सारी चीजें बहुत ही क्लियर हो जाएगी, बहुत एकदम सारा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा और कहीं पे आपको किसी भी पॉइंट पे दिक्कत महसूस नहीं होगी। ठीक है, तो वही हम बता रहे थे क्या कि धारिता जो होती है किसी भी चालक की आवेश को ग्रहण करने की क्या होती है, क्षमता होती है ना। तो अगर कोई किसी की धारिता की बात करते हैं, मान लेते हैं किसी की धारिता 50 माइक्रोफैराड है फैराड है और किसी की 40 माइक्रोफैराड है, तो दोनों में बेसिक अंतर क्या होगा। हम कहेंगे कि पहला जो 50 माइक्रोफैराड वाला है, ठीक है, फैराड वाला है, उसकी आवेश ग्रहण करने की क्षमता ज्यादा है इसलिए उसकी धारिता ज्यादा है, और जिसका कम है 40 वाला, तो उसकी आवेश ग्रहण करने की क्षमता पहले वाले की अपेक्षा क्या है, कम है। ठीक है, यानी उसकी धारिता का मान कम है, यानी कम आवेश ग्रहण कर रहा है। यहाँ पे वही कंसेप्ट है। तो अगर बी के लिए बात करें तो इसका जो आवेश का मान होगा, यानी कितना आवेश ग्रहण करेगा, तो इसको हम लिखेंगे Q2, है ना। तो Q2 का मान क्या होगा, C2 इंटू V2 होगा ना, इसका हो जाएगा C2 इंटू V2 आपका हो जाएगा आवेश। क्लियर है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, हमको निकालना है कॉमन पोटेंशियल। कॉमन का मतलब दोनों के बेसिकली दोनों का कॉमन, कॉमन का मतलब समझते ना, समान। तो अब ये कॉमन कैसे निकलेगा, ये अलग है और ये अलग है। ठीक है, तो ये तो हमने जब अलग अलग था हमने लिख लिया इसका आवेश और इसका आवेश हमने लिख लिया। अब बताइए जरा क्या होगा, अब जब हम क्या करते हैं, आप समझिएगा इस चीज को, नीचे ध्यान देंगे। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, एक वायर से कनेक्ट कर देंगे, एक वायर से, वायर कौन सा, चालक तार से हम लोग इसको कनेक्ट कर देंगे। ये देखिए जरा फिगर को भी समझ लेंगे, अगर आप फिगर भी समझते हैं तो आपको सारी चीजें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगी। वही हमने चालक बनाया, इसका धारिता C1 था, विभव कितना, V1। ठीक है, अच्छा, और इसकी धारिता कितनी थी, C2 थी। ठीक है, और विभव क्या था, V2 था। अब जब हम इसको क्या करेंगे, एक चालक तार से कनेक्ट कर देंगे, चालक तार से जरा हम इसको कनेक्ट करके दिखाते हैं। ठीक है, यहीं पे कनेक्ट करते हैं, वहां नहीं करते, जरा समझिएगा इसको। ठीक है, इसको V1 नहीं लिखते अभी, इसका आवेश क्या था, Q1 था, तो Q1 लिख देते हैं, इसका आवेश कितना था, Q2 था, चलेगा। अच्छा, अब इस ये हमारे पास जो चालक है A और B, ठीक है, इसको हमने कर दिया कनेक्ट, एक चालक तार से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, एक चालक तार से हमने जोड़ दिया। अब आप ये जानते हैं कि चालक के अंदर में क्या होता है, आवेश का ट्रांसफर होता है, आवेश फ्लो होता है, आवेश बहता है। ठीक है, तो आवेश कहाँ से कहाँ बहता है, और आवेश के साथ साथ क्या होता है, विभव भी बहता है, है ना। तो विभव क्या होता है, कभी भी विभव जो होता है हमारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर क्या होता है, आपका फ्लो होता है। तो जब तक, अब ये आपका C1 था, इसका C2 था, इसका विभव V1 था, V2 था, हमने क्या किया, तार से जोड़ दिया। तो तार से जोड़ने के पश्चात होगा क्या, कि इसमें से विभव इधर जाएगा, जिसमें से जो भी ज्यादा होगा, अगर ये ज्यादा होगा तो इसमें से इधर जाएगा, और ये ज्यादा होगा तो इसमें से इधर आएगा, और जाते जाते क्या होगा, एक ऐसा पॉइंट बना लेगा जहां पे इन दोनों का विभव क्या होगा, समान हो जाएगा, दोनों का विभव समान हो जाएगा। तो दोनों का विभव जब समान हो जाएगा तो ए का भी विभव भी और बी का भी विभव भी। ठीक है, दोनों का विभव समान हो गया तो इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ विभव, उभयनिष्ठ विभव। इसी को हमने लिखा है इंग्लिश में कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, पूछा गया है कि दो चालकों को जब एक साथ जोड़ा जाता है, ठीक है, अगर उनकी धारिताएं अलग अलग है और उनपे अलग अलग आवेश दिया जा रहा है, तो उनके लिए उभयनिष्ठ विभव का व्यंजक क्या होगा। या फिर अगर आपसे ये ना हो तो आने वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अगर दो चालकों को आपस में जोड़ा जाता है तो जोड़ने के क्रम में उन दोनों में ऊर्जा का कितना ह्रास होता है, ऊर्जा कितनी नष्ट हो जाती है। तो जब तक आपको उभयनिष्ठ विभव का कंसेप्ट नहीं पता होगा तो आप उस ऊर्जा के ह्रास को नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, और आप उस कंसेप्ट को भी नहीं पकड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सारी अगर आपको ये सीखना है तो आपको ये चीज समझना होगा आने वाले लेक्चर को सीखने के लिए। ठीक है, तो चलते हैं जरा इसको क्लियर करते हैं। हमने क्या बताया, विभव का क्या हुआ, ट्रांसफर होगा, कब तक होगा, जब तक दोनों का विभव आपस में समान ना हो जाए। तो समान क्या हो गया, दोनों का भी हो गया। ठीक है, अच्छा, अब जरा सा कुछ पॉइंट्स लिखते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं इसके बारे में। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, हमने यहाँ पे लिखा कि यदि दो चालकों को, ठीक है, दो हमारे पास चालक है, उनको एक तार से जोड़ दिया जाता है, अगर दो चालकों को एक तार से जोड़ दिया जाता है तो आवेश जो है क्या होता है,
अधिक विभव वाले चालक से कम विभव वाले चालक में तब तक प्रवाहित होता रहता है जब तक कि दोनों चालकों का विभव समान ना हो जाए। वही जो हमने आपको कंसेप्ट बताया क्या कि आवेश तब तक प्रवाहित होगा जब तक कि दोनों का विभव क्या होना हो जाए समान ना हो जाए। और जो विभव समान हो जाता है उसी को क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। यानी कॉमन पोटेंशियल का मतलब उभयनिष्ठ विभव, ठीक है। उसी को अगर हम बात करें इसमें कुल आवेश की, ठीक है, अगर हमने स्टार्टिंग में जो Q1 लिया था और Q2 लिया था, अगर टोटल आवेश की बात करें दोनों को अलग अलग लेकर, तो टोटल आवेश कितना होगा अगर हम बात करें कुल आवेश की, कुल आवेश, तो कुल आवेश का मान कितना हो जाएगा आपको, पहला वाला Q1 और दूसरा वाला क्या Q2, दोनों आवेश को क्या किया हमने, इसको ऐड कर दिया, टोटल आवेश आपके पास आ गया Q1 प्लस Q2 चला आया, ठीक है। अच्छा, तो अगर हमने इस दोनों चालकों को क्या किया है, एक वायर से जोड़ दिया है, तो जोड़ा है तो क्या बदला है आपको, सिर्फ विभव ही ना समान हुआ है, आवेश जो था हमारा इधर का Q1 और इधर का Q2 वो दोनों क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, उसमें चेंजेस नहीं आएगा, सिर्फ क्या होगा विभव में चेंजेस आएगा। और हमारा C1 था और यहाँ पे इसकी धारिता कितनी थी, C2 थी। अब चलते हैं थोड़ा सा बात करते हैं, माना कि उभयनिष्ठ विभव कितना है, हमने मान लिया कि उभयनिष्ठ विभव कितना है, भी जो हमारा कॉमन हो गया, ठीक है, तो वो हमारा उभयनिष्ठ विभव कितना है, भी है। जो हमने बताया कि विभव समान हो जाएगा तो क्या बनेगा, ये आपका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो उसी को हमने बोला उभयनिष्ठ विभव। तो उभयनिष्ठ विभव कितना है, भी है। अगर उभयनिष्ठ विभव भी है तो इधर का जो आवेश होगा यानी टोटल आवेश होगा, ठीक है, और ये वाला जो टोटल ये आवेश होगा, दोनों का योग किसके बराबर होगा, इसके बराबर होना चाहिए। यानी इसका जो आवेश का टोटल था और इसका जो आवेश टोटल था, दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो अगर हम इसको लिख दें, इसको हम लिख देते हैं बेसिकली, इस वाले आवेश को बोले थे Q' Q1' बोले थे, है ना, और इसको बोले थे आपको Q2', ठीक है। तो क्या लिखेंगे जरा समझिएगा, Q1 प्लस Q2 इक्वल टू क्या होगा, Q1' प्लस Q2' होगा ना, Q1 प्लस Q2 बराबर हो जाएगा Q1' प्लस Q2', यानी दोनों आवेश क्या है, इसका दोनों का आवेश योग और इन दोनों का आवेश का योग क्या है, दोनों आपस में बराबर ही, उसमें तो चेंजेस आएगा ही नहीं, ठीक है। तो अब बताइए Q1 हमारे पास क्या है, C1 × V1, तो हम लिख सकते हैं C1 × V1 प्लस Q2 क्या है, C2 × V2, यही है ना, Q2 जो है आपका C2 × V2 इक्वल टू Q1' अब Q1' कितना होगा, C1 × V1 नहीं होगा, V होगा, क्योंकि पोटेंशियल क्या हो चुका है, सेम हो चुका है। तो आप क्या लिखिएगा, C1 × V प्लस लिखेंगे ना C1 × V, और जब Q2 लिखने जाइएगा यानी Q2' जब लिखेंगे तो Q2' का मान कितना होगा, बेसिकली यहाँ दो बार Q1 लिखा गया क्या, हम इसको Q1' और Q2' किए हुए, ठीक है, तो Q2' क्या लिखेंगे, C2 × V, क्योंकि इसका भी विभव तो क्या हो गया, सेम ही हो गया ना, यानी कॉमन हो गया, तो ये आपका C1 × V और इसका कितना, C2 × V। आगे यहां देख लो क्या बनेगा, यहां से भी और यहां से भी हम क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं। देखिए जरा सा, हमने कर लिया V को कॉमन, बचेगा क्या, C1 + C2 नहीं बचेगा, C1 + C2 आपका बचेगा। अच्छा, और इधर जो था हमारा क्या था, C1 V1 + C2 V2, यही ना था आपका, था C1 V1 + कितना, C2 और V2। हमको क्या चाहिए, हमको तो ये V वाला चाहिए ना, क्योंकि हम वही तो निकाल रहे हैं, कॉमन पोटेंशियल यानी उभयनिष्ठ विभव निकाल रहे हैं, तो हमको सिर्फ V चाहिए। तो अगर हम V निकालने जाएंगे तो V का मान कितना हो जाएगा, C1 V1 + C2 V2 / C1 + C2, और ये आपका आ जाएगा किसका मान, उभयनिष्ठ विभव का मान, ठीक है। तो यही हमको निकालना था और ये हमने यहाँ पे निकाल भी लिया, ठीक है। एक बार फिर से कंसेप्ट को समझ ले, आपको सारा चीजें रिवाइंड कराता हूं मैं। हमने क्या किया, हमारे पास एक चालक था A, ठीक है, जिसका आवेश क्या था, Q1 था, धारिता क्या थी, C1 थी, विभव V1 था, ठीक है। दूसरा चालक B था हमारे पास, इसकी धारिता C2 थी, आवेश इसको Q2 दिया गया, तो विभव कितना उत्पन्न हुआ, V2 उत्पन्न हुआ, ठीक है। हमने अलग अलग इसका क्या लिखा, आवेश लिखा। साथ में अगर हम बात करते हैं इसके लिए विभव की भी, अगर बात कर लेते हैं, अगर हम कहते हैं कि बताइए इसका विभव कितना होगा, यानी V1 का मान कितना होगा, तो क्या लिखते, Q1 / C1 ये लिखते ना,
क्योंकि भी का मान होता है क्यू बाई सी, तो हम इसको लिखते क्यू वन अपॉन सी वन, ठीक है। अगर हम इस चालक के लिए बात करते किसकी भी की बात करते तो भी का मान कितना होता है क्यू टू अपॉन कितना होता सी टू होता है, यही ना लिखते भी को लिखते हम लोग क्यू टू अपॉन सी टू। अच्छा तो ये हमने बताया क्या कि चालक के लिए पहले वाले के लिए क्या था विभव भी वन क्यू वन अपॉन सी वन, जहां से हमने क्यू वन निकाला सी वन भी वन, ठीक है। दूसरे वाले के लिए विभव कितना हमारे पास आ रहा है वी टू क्यू टू अपॉन सी टू, तो यहाँ पे हमने निकाला क्यू टू का मान सी टू वी टू, ठीक है। आगे हमने क्या किया है कि दोनों आवेशों को एड किया है, दोनों आवेशों का योग क्या होगा आपका क्यू वन प्लस का क्यू टू हो जाएगा, क्योंकि ये आवेश और ये आवेश हमने दोनों क्या किया एड कर दिया। अच्छा अब एक चीज और निकल के आता, हमने बताया कि जब दोनों आवेशों को एक साथ बेसिकली दोनों चालकों को अगर हम एक वायर से जोड़ दें, कौन सा वायर चालक तार, ठीक है। एक चीज यहाँ पे छूट रहा है, ये कौन सा तार है, कोई भी तार नहीं जोड़ सकते हैं, चालक तार होना चाहिए, ठीक है। दोनों हमारे पास क्या है चालकों को एक चालक तार से हमने क्या किया ऐड कर दिया, तो ऐड करने के पश्चात क्या होता है ये सारी पॉइंट्स यहाँ पे लिखी हुई है। दोनों चालकों को जब एक चालक तार से जोड़ दिया जाता है तो आवेश जो होता है अधिक विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होने लगता है, ठीक है। अब प्रवाहित होने लगता है तब तक प्रवाहित होता है जब तक कि दोनों का विभव समान न हो जाए, समान मतलब क्या इसका भी और इसका भी, अब भी वन भी टू का चक्कर खत्म, ठीक है। तो इसका भी और इसका भी, और यही भी जो है ना कॉमन पोटेंशियल है और हमको इसी भी का मान निकालना था, तो हमने क्या किया कि पहले वाले साइड का Q1 और Q2 का मान यानी टोटल आवेश और दूसरे वाले साइड का हमने इसको Q1 डैश मान लिया और इसको Q2 डैश मान लिया, दूसरे वाले साइड का आपको आवेश टोटल आवेश। अब Q1 का मान हम यहां से निकाल चुके हैं C1 V1, Q2 का मान C2 V2 हमने रख दिया। इस Q1 डैश के लिए हमने लिखा C1 into V, V1 तो V1 के लिए V है तो V, Q2 डैश के लिए C2 into V तो यहां पे भी क्या है C2 into V है, ठीक है। यहां से भी को कॉमन किया तो भी हमारा साइड है C1 plus C2 और C1 V1 और C2 V2, भी का मान कितना निकल चुका है आपके सामने निकल चुका है भी का मान C1 V1 plus C2 और V2 upon C1 plus C2, ठीक है। तो ये है आपका उभयनिष्ठ विभव के लिए व्यंजक। इसी का इस्तेमाल करते हुए हम लोग आने वाले लेक्चर में निकालेंगे जब हमने इन दोनों को अलग अलग जो हमारे पास चालक थे इन दोनों को जब हमने चालक तार से जोड़ा है तो जोड़ने के क्रम में कितनी ऊर्जा का ह्रास हो गया, मतलब कितनी ऊर्जाएं नष्ट हो गई, ठीक है। तो जब तक आपको कॉमन पोटेंशियल का कंसेप्ट नहीं पता होगा तब तक हम इसका कंसेप्ट क्लियर नहीं कर पाएंगे, तो हम इसको पहले आने वाले लेक्चर में हम इसको सीखेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो, अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, और अगर ज्यादा अच्छा लगे तो दोस्तों को भी शेयर करिएगा, है कि नहीं। और हमारे साथ लाइव जुड़िएगा डेली प्रीमायर क्लासेस के अंदर में, आप 8 बजे मेरे साथ जुड़ सकते हैं, डेली आपको टाइमिंग है 8 बजे आप प्रीमायर क्लासेस में जुड़ सकते हैं मेरे साथ लाइव, और लाइव आप मेरे अपने सवालों का जवाब मुझसे ले सकते हैं, ठीक है। कमेंट के जरिए आप उस टाइम में कमेंट कर सकते हैं और अपने सवाल जो भी आपके डाउट्स होंगे उसी टाइम आपको डाउट्स क्लियर कराया जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों को शेयर करें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद, जय हिंद। अभी सुनना।